वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग जो है बेटा क्लास टेंथ के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस तक की सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया था और हर एक चीज को सीख लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो है अपने चैप्टर को कंप्लीट फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे बेटा जो भी टॉपिक्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को क्लास टेंथ में पढ़ना है। तो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। देन सेकेंड हमारी क्या है, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। थर्ड हमारी आएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा हमारी दो तरीके की होती है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारी क्या होगी बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारी फोर मेन केमिकल रिएक्शंस हैं जो हम लोगों को क्लास टेंथ में पढ़ना है। साथ ही साथ बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे। और रेडॉक्स रिएक्शन में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। तो एक एक करके बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग जो है इन सभी रिएक्शंस को समझेंगे और इनके एग्जांपल्स को देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बेटा क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस, जिसमें दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस, या आप लोग बोल सकते हो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं और कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, एक जर्नल एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया है कि देखिए यहाँ पे बेटा हमारे पास दो या दो से ज़्यादा क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। अब ये सभी रिएक्टेंट्स बेटा क्या कर रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं या कंबाइन कर रहे हैं, और कंबाइन करने के बाद बेटा हमको एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ऐसी सभी रिएक्शंस बेटा हमारी क्या कहलाती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। तो अब हम लोग जो है बेटा इसके एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब बेटा हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए बेटा, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करें और दो रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने के बाद हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। और ये रिएक्शन बेटा आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे पूछा क्या जाता है बेटा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा इसका जर्नल नेम क्या होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। स्लेक्ड लाइम बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लाइम स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी को बेटा आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन में यहीं से क्वेश्चन आया था, इसी को बेटा हम लोग डोलोमाइट भी बोलते हैं ना। तो ये बेटा ये तीन नेम आप लोग याद रखिएगा। और इसका यूज़ बेटा हम लोग कहाँ पे करते हैं, जनरली बेटा इसको हम लोग जो है वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। जब हम लोगों के घर में पुताई होती है बेटा तो पुताई में हमारी यही रिएक्शन यूज़ होती है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए बेटा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट किया तो बेटा इसने कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर ली, ठीक है।
तो यहाँ पे भी देखिए बेटा आपका दो रिएक्टेंट थे और दो रिएक्टेंट कंबाइन कर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट दिए, तो ये आपकी क्या कहलाएगी बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। इसी तरीके से देखिए बेटा कि हाइड्रोजन जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने बेटा क्या बनाया, वाटर बनाया। तो इन सभी रिएक्शंस में बेटा आपको क्या मिला, इन सभी रिएक्शंस में आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो ऐसे सभी रिएक्शंस बेटा जिनमें हम लोगों को सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, वो सारे रिएक्शंस हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का बेटा एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज एडिशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा इनको, हम लोग एडिशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा बेटा, ओके। तो यहां तक कि मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो बेटा अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा आपको नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, डिकम्पोज होगा, यहां पे क्या होगा बेटा, ब्रेकिंग होगी, ठीक है। तो ऐसे सभी केमिकल रिएक्शंस बेटा, ऐसे सभी केमिकल रिएक्शंस जिसमें हमारा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट, कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट का मतलब क्या है बेटा, एक बहुत बड़ा रिएक्टेंट होगा और वो रिएक्टेंट आपका क्या करेगा बेटा, वो रिएक्टेंट आपका दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ऐसे सभी रिएक्शंस बेटा जिसमें हमारा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट जो है बेटा डिकम्पोज होकर के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करता है, तो वो सभी रिएक्शंस बेटा आपकी क्या कहलाती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। अगर बेटा हम लोग इसको एक जर्नल एग्जांपल के थ्रू समझें, तो मान लीजिए हमारे पास बेटा क्या है, हमारे पास एक ए रिएक्टेंट है, हमारे पास क्या है बेटा, एक ए कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है, बहुत बड़ा है ये, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट बेटा जब हमारे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, तो ऐसे सभी रिएक्शंस बेटा आपके क्या कहलाएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएंगे। तो यहां पे देखिए बेटा आपका एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट था, अब जब ये डिकम्पोज होगा बेटा तो इसने क्या किया, इसने बी की फॉर्मेशन करी, सी की फॉर्मेशन करी और डी की फॉर्मेशन करी, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अच्छा आप इसके कुछ जर्नल एग्जाम्पल देख लो, और ये जर्नल एग्जाम्पल बेटा ये जो रिएक्शंस लिखी हैं ये सभी रिएक्शंस बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आई हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब आपका फेरस सल्फेट डिकम्पोज होता है तो ये क्या करता है बेटा, ये फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले तो बेटा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट क्या कर रहा है बेटा, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है आपका और ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आपकी प्रोड्यूस हुई है, इसकी स्मेल कैसी होती है, ठीक है, इसकी ओडोर कैसी होती है। तो बेटा अगर देखा जाए तो आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होती है, इसकी स्मेल जो है बेटा रॉटन एग्स की तरीके से होती है, जो सड़े हुए अंडे होते ठीक उसी तरीके से इसकी स्मेल होती है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, जहां पे उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की स्मेल के बारे में बात करी थी। तो ये रिएक्शन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से बेटा अगर हम लोग अपनी नेक्स्ट रिएक्शन को देखें, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हम लोगों ने क्या किया, डिकम्पोज किया और इसने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करी। तो देखिए हमारा एक रिएक्टेंट था बेटा और इस एक रिएक्टेंट ने दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करी, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैंने आपको बताया था जब भी प्रोड्यूस होती है तो हम लोग इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग इसके ब्रिस्क इफरवेसेंस के बेसिस पे क्या कर सकते हैं बेटा, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अब बेटा नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं और ये रिएक्शन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास क्या था, लेड नाइट्रेट था, ओके। तो लेड नाइट्रेट को बेटा जब हम लोगों ने डिकम्पोज किया तो इसने लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन करी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करी,
ठीक है, यहाँ पे आपका NO2 फॉर्म हुआ और O2 की फॉर्मेशन हुई। तो बेटा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जो NO2 गैस प्रोड्यूस हुई है बेटा, इसका कलर कैसा होता है? तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो NO2 गैस होती है बेटा, इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। ठीक है, ये किस कलर की होती है? ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो यहाँ से बेटा ये क्वेश्चन CBSE में हमेशा पूछा जाता है कि ये जो NO2 गैस प्रोड्यूस होती है, ये किस कलर के फ्यूम्स को प्रोड्यूस करती है? तो ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स को प्रोड्यूस करती है। तो बेटा आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं बेटा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, देखो चैप्टर बहुत ईजी है यार, चैप्टर में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। यही बेटा आपके प्रॉपर नोट्स हैं। ठीक है, नोट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक की पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट फर्स्ट को देख लो जाकर के, अदरवाइज आपको ये सभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ओके, तो बेटा अब हम लोगों को क्या पढ़ना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जनरली बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। तो बेटा जब हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस में अकर होते हैं, कहने का मतलब ये है बेटा, जब कभी हम लोग जो है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि ऐसे सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, जिसमें हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट को ब्रेक कराने के लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारे रिएक्शंस आपके क्या कहलाएंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएंगे। अब यहाँ पे बेटा ये जो आपको ट्रायंगल का साइन दिख रहा है, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हम लोगों ने जब हीट प्रोवाइड करी तो इसने क्या किया बेटा? इसने कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करी और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करी। ठीक इसी तरीके से बेटा आपकी जो अभी मैंने रिएक्शन आपको समझाई थी, दैट इज फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट को बेटा हम लोगों ने क्या प्रोवाइड की? हीट प्रोवाइड करी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फेरस सल्फेट जब डिकम्पोज होकर के फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करता है तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? तो आप क्या बोलोगे? ये हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें बेटा हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे। एग्जाम्पल क्लियर हो गए? अब इसी तरीके से क्या होता है बेटा कि जब हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस सनलाइट के प्रेजेंस में होती हैं तो वो सारी रिएक्शंस हमारी क्या कहलाती हैं बेटा? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है बेटा, जब कभी भी हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट को सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोज करेंगे तो वो सारी रिएक्शंस हमारी क्या कहलाएंगी? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाएंगी। तो अब यहाँ पे हम लोग बेटा एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड को बेटा हम लोगों ने सनलाइट प्रोवाइड करी तो इसने क्या फॉर्म किया? सिल्वर फॉर्म किया बेटा और क्लोरीन गैस को रिलीज कर दिया। इसी तरीके से बेटा जब आपका सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग सनलाइट में छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है बेटा? ये डिकम्पोज हो जाता है और सिल्वर और ब्रोमीन गैस की फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्शन बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी रिएक्शन भी बोलते हैं, और हर साल बेटा आपके ये बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़िएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम लोगों ने दो तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ लिया बेटा। एक आपका क्या था बेटा? जब हम लोगों ने हीट प्रोवाइड करी थी तो दैट इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक हम लोगों ने क्या किया बेटा? सनलाइट प्रोवाइड करी तो दैट इज कॉल्ड द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो बेटा अब हम लोग जो अपने लास्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो सिंपल सी बात है बेटा,
अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो किसकी हेल्प से करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करेंगे। तो ऐसे सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिनमें बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोज कर रहे हैं, वो सारे रिएक्शंस बेटा हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? यहाँ पे बेटा आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए कि वाटर का बेटा हम लोगों ने क्या कराया, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे बेटा हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट था और ये इसने क्या किया, इसने दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करी, क्योंकि बेटा यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी थी, इसीलिए बेटा हम लोगों ने इसको क्या बोला, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल दिया। तो बेटा अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे होता है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए बेटा हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में बेटा हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने वाटर को पुट कर दिया। ठीक है, वाटर के साथ साथ बेटा हम लोग कुछ सॉल्ट को भी मिला देते हैं, जिससे क्या हो बेटा हमारी कंडक्टिविटी मेंटेन रहे। साथ ही साथ बेटा क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, दो ग्रेफाइट रॉड को लगाते हैं जिसमें हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हमारा एनोड होता है बेटा और एक कैथोड होता है। ठीक है, तो जैसे ही बेटा हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही क्या होता है बेटा, जो हमारा वाटर होता है बेटा, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है बेटा, ब्रेकडाउन हो जाता है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में सेपरेट हो जाता है। तो ये जो बेटा ऑक्सीजन है आपकी, ये ऑक्सीजन बेटा कहाँ पे जाती है, ये ऑक्सीजन बेटा आपके एनोड में जाती है, और हाइड्रोजन जो है बेटा, ये जो हाइड्रोजन है ये आपके कैथोड में जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है बेटा कि कौन सी गैस एनोड में जाती है और कौन सी गैस कैथोड में जाती है। तो देखिए बेटा मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये किसके पास जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, दैट इज एनोड। तो एनोड हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, हाइड्रोजन हमारा क्या होता है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये किसके पास जाता है, कैथोड के पास। कैथोड हमारा क्या होता है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि एनोड और कैथोड पे कौन सी गैस जाएगी। साथ ही साथ बेटा आपसे पूछते हैं कि गैसेस का वॉल्यूम क्या होगा। तो जरा आप देखिए बेटा, ये वाटर जब आपका इलेक्ट्रोलिसिस करेगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करेगा। अब क्योंकि ये रिएक्शन बेटा हमारी बैलेंस तो होगी नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, वी जस्ट बैलेंस द इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब इनका इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेंगे और एक मॉलिक्यूल क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर यहाँ से गैसेस का वॉल्यूम देखा जाए बेटा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गैसेस का वॉल्यूम होगा बेटा, वो क्या होगा, 2:1 होगा कि नहीं होगा। तो आई होप बेटा आप लोगों को यहाँ तक कि क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है बेटा, तो आप लोग जो है कमेंट में जा करके अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को, अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना दूंगा। ओके, तो बेटा इसी तरीके से अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट रिएक्शंस को समझ लेते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा ये एंडो है आपका, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या समझेंगे बेटा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, और फिर हम लोग ये समझेंगे बेटा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो बेटा अगर हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें, तो ऐसी सभी रिएक्शंस जिसमें हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऐसी सभी रिएक्शंस बेटा जिसमें हमारी एनर्जी, और एनर्जी क्या है बेटा, हीट है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी सभी रिएक्शंस जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो सारी रिएक्शंस हमारी क्या कहलाती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। और आपने अभी देखा था बेटा, अगर आपने गौर किया हो तो जितनी भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस थी बेटा, वो सभी की सभी क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, आपकी
हीट प्रोड्यूस हो रही थी। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड आपका वाटर के साथ रिएक्ट किया, इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करी। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हीट प्रोड्यूस हुई कि नहीं हुई? तो हीट अगर प्रोड्यूस हुई तो ये क्या हो गया बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब आपके कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ज़्यादातर बेटा आपकी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। ये सभी क्या करती हैं, हीट को प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरीके से बेटा आपका कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो इसने क्या फॉर्म किया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करी। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुई बेटा, हीट प्रोड्यूस हुई। तो अगर हीट प्रोड्यूस हुई तो बेटा ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, अब हम लोग इनको समझते हैं। तो बेटा ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें क्या हो बेटा आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो। एनर्जी का मतलब क्या है बेटा, हीट एब्जॉर्ब हो। तो एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था बेटा, हीट प्रोड्यूस हो रही थी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा बेटा, आपकी हीट एब्जॉर्ब होगी। तो अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है बेटा तो वो सारी रिएक्शंस आपकी क्या कहलाएंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगी। और जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं बेटा, आपने उसमें देखा था कि हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, हम लोग एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट को ब्रेक कराने के लिए क्या कर रहे थे बेटा, एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे थे। अब वो एनर्जी बेटा हमारी तीन तरीके से थी, या तो वो सनलाइट के फॉर्म में थी, या तो वो हीट के फॉर्म में थी, या तो वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में थी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने एनर्जी को प्रोवाइड किया। तो अगर कोई रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, अगर कोई रिएक्शन में बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या होगा बेटा, वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा जब हम लोगों ने हीट किया तो यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोगों ने क्या किया, इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस हीट एनर्जी का यूज़ किया। अब जब ये हीट एनर्जी को यूज़ करेगा बेटा तो खुद ठंडा ही तो होगा, तभी तो हीट एनर्जी को यूज़ करेगा भाई। कोई इंसान ठंडा है तभी तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए बेटा ये क्या होती है हमारी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो इसने जब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया बेटा तो ये खुद ठंडा हो गया और इसने क्या फॉर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करी। तो अगर आप बेटा बीकर को चेक करके देखोगे, तो यहाँ पे आपको कैसा दिखेगा बेटा, यहाँ पे आपको ठंडा महसूस होगा, क्योंकि इसने क्या किया बेटा, इसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। वहीं पे बेटा अगर आप देखो, वहीं पे अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटा जब आप बीकर को टच करोगे तो आपको कैसा महसूस होगा, बीकर गर्म महसूस होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेटा, ये हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, अपन लोगों ने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को भी पढ़ लिया। तो बेटा अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले अपन लोग ये समझ लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं बेटा, ये आपकी दो तरीके की होती हैं। एक आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसको हम लोग सिंपली बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, और दूसरी हमारी क्या होती है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे जिसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपकी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है बेटा, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट आपका क्या करता है बेटा, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है उसकी सॉल्यूशन से। तो ऐसी सभी रिएक्शंस आपकी क्या कहलाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए कि ऐसी सभी रिएक्शंस जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को
उसकी सोल्यूशन से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो वो सारी रिएक्शंस आपकी क्या कहलाएंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाएंगी। अब यहाँ पे एक जर्नल एग्जाम्पल के थ्रू बेटा हम लोग इसको समझते हैं, ओके? इसको एक जर्नल एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास एक ए एलिमेंट है और एक बी सी कंपाउंड है, एक बी सी केमिकल कंपाउंड है, जिसमें ए एलिमेंट क्या है बेटा आपका मोर रिएक्टिव है, और बी जो एलिमेंट है आपका जो इस समय केमिकल कंपाउंड है ये लेस रिएक्टिव है। तो ये ए जब बी सी के साथ बेटा रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये बेटा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो ये बी को क्या कर देगा, उसकी सोल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, ए सी बना लेगा। और देखिए बी को इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये सिर्फ वही वाली बात है बेटा, एक ताकतवर इंसान ने क्या किया बेटा, एक कमजोर इंसान को क्या किया बेटा, बाहर फेंक दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो देखिए ताकतवर इंसान था बेटा और ये कम ताकतवर था, इसने क्या किया बेटा, इसने झगड़ा किया और इससे जीत गया और इसकी जगह पे कब्जा कर लिया, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे बेटा आप लोग कुछ एग्जाम्पल देख लो। अब देखिए आयरन जब बेटा आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो इसने बेटा फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन करी और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आयरन आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट था बेटा, इसने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि कॉपर आपका क्या था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट था। और इसने क्या बनाया, फेरस सल्फेट बनाया जो कि हमारा ग्रीन कलर का था। तो ये आपकी क्या हो गई बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अच्छा एक चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि जितनी भी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं बेटा उन सभी में क्या होता है, कलर चेंज होता है। जितनी भी आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगी बेटा उन सब में क्या हो जाएगा, कलर चेंज होगा। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है कितना कम रिएक्टिव है, तो बेटा जैसे ही मैं आपको इतना एग्जाम्पल दे दूंगा उसके बाद मैं तुरंत आपको समझाऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है? तो रिएक्टिविटी सीरीज जैसे ही आप पढ़ोगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, ओके? इसी तरीके से बेटा देखिए कि कॉपर सल्फेट जब हमारा जिंक के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या फॉर्म किया बेटा, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन करी और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब कॉपर सल्फेट बेटा हमारा क्या था, ये ब्लू कलर का था। अब जैसे ही जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हुई तो देखिए हमारी सोल्यूशन का कलर क्या हो गया, ये कलरलेस हो गया। तो देखो यहाँ पे कलर चेंज हुआ, तो अगर कलर चेंज हो रहा है बेटा तो वो क्या होगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और क्योंकि जिंक बेटा आपका ज़्यादा रिएक्टिव था तो इसने कॉपर को क्या किया, इसने कॉपर को उसकी सोल्यूशन से डिस्प्लेस किया और जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन करी। तो ये आपकी क्या हो गई बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। तो अब हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे बेटा कि कौन सा एलिमेंट हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा एलिमेंट हमारा कम रिएक्टिव होगा, ओके? तो सबसे पहले बेटा रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है आप लोग इसको समझ लीजिए। एक्चुअल में बेटा आपका ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का है। जब आप थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ोगे बेटा तो ये वहाँ का टॉपिक है, बट मैं इसको आपको अभी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को रटना पड़ेगा, आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे ना कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो इसीलिए मैंने बेटा इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव होगा और कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो बेटा अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द वर्टिकल कॉलम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एन एलिमेंट। बेटा अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है बेटा, एक्चुअल में ये बेटा हमारे एलिमेंट्स का वर्टिकल अरेंजमेंट है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी। तो उसको आप याद कैसे करोगे बेटा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बेटा आपका पोटेशियम है, देन सोडियम है, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन अल्मोनियम, उसके बाद जिंक आएगा बेटा आपका, फिर आयरन आएगा, ठीक है? फिर स्ट्रॉन्टियम आएगा, फिर लेड आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा, ओके? तो इसको आपको याद कैसे करना है, इसको आपको याद करना है केदारनाथ का माली आलू जरा
फीके से पकाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बेटा आपका क्या होगा, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। इसके ऊपर जितने एलिमेंट्स होंगे बेटा, ये क्या करेंगे, नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। और एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा कि मान लीजिए पोटेशियम और सोडियम आपको दो एलिमेंट गिवन है, तो पोटेशियम आपका बेटा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है क्योंकि ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे है, ठीक है। तो जो एलिमेंट जितना ऊपर होगा बेटा वो उतना ही ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने यहाँ तक याद कर लिया कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। अब बेटा आप इसको इसके हाइड्रोजन के बाद कैसे याद करोगे कि क्यों कॉपर हग, क्यों आज तुम्हें हग और क्यों चाहिए, ठीक है। जब गले मिलते हो तो उसको हग बोलते हो ना, तो इसको याद करने के लिए क्या किया, क्यों हग आज और चाहिए। तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या समझ लिया कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है और किस तरीके से हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा और उसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मैग्नीशियम क्या एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो आप बोलोगे यस सर करेगा, क्योंकि हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है और मैग्नीशियम जो है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम के ऊपर है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इस वजह से ये क्या करेगा, एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बनाएगा बेटा आपका, मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्मेशन करेगा और एल्युमिनियम यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या समझ लिया बेटा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। अब साथ ही साथ बेटा आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए कि जितने भी हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं बेटा, इन सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमारा क्या होता है, कलर चेंज होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और इस पॉइंट को बेटा वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक। अब हम लोगों का नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है बेटा, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, दो हमारे दो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, दो कंपाउंड्स होंगे, उनके बीच में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दोज रिएक्शंस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बेटा आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है बेटा कि आपके जो दो एलिमेंट्स हैं, जिसमें जो आपके दो एलिमेंट्स हैं बेटा, उनके बीच में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। क्या होता है, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से आप लोग देखिए कि सोडियम सल्फेट जब आपका बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, सोडियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव है और बैरियम आपका लेस रिएक्टिव है। तो ये सोडियम क्या करेगा बेटा, ये सोडियम जो है आपका बैरियम क्लोराइड के साथ आ जाएगा, मींस ये सोडियम बेटा बैरियम को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम क्लोराइड बना लेगा। और ये बैरियम क्या करेगा बेटा, ये बैरियम जो है सल्फेट के पास चला जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, बैरियम सल्फेट की फॉर्मेशन कर लेगा। और ये बैरियम सल्फेट बेटा आपका क्या होगा, ये बैरियम सल्फेट आपका प्रेसिपिटेट होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे आपके पास सोडियम के आयन थे और बैरियम के आयन थे, और इन दोनों आयन्स के बीच में क्या हो रहा है बेटा, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। ये इसकी जगह पे चला जा रहा है और ये बैरियम जो है सल्फेट के पास आ जा रहा है। तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपके ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो आपके न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं बेटा, वो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से बनते हैं। और नोट करके आप लोग एक पॉइंट याद कर लीजिएगा कि जितने भी बेटा आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं, इन सभी में क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है बेटा कि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो हम लोग ये समझेंगे बेटा कि आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा बेटा आपका, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, या तो आपके ऑक्सीजन के एटम्स ऐड हो जाएं,
या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे हाइड्रोजन के एटम रिमूव हो जाएं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होगी बेटा? या तो आपका क्या हो जाए, या आपके ऑक्सीजन एटम्स का एडिशन हो जाए, और या फिर आपके क्या हो जाए बेटा, हाइड्रोजन एटम्स का रिमूवल हो जाए। तो ऐसे सभी रिएक्शंस आपके क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो। अब देखिए बेटा, कॉपर ऑक्साइड जब आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कॉपर और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो जरा यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन से बेटा क्या हुआ, वाटर बना। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन के एटम का एडिशन हुआ है तो ये क्या होगा बेटा आपका, ये ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक इसी तरीके से देखिए बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड जब ब्रोमीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, तो ये बेटा हाइड्रोजन ब्रोमाइड को फॉर्म कर रहा है और सल्फर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बन रहा है बेटा, सल्फर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन के एटम डिलीट हो गए, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं बेटा जिसमें या तो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन एटम का एडिशन होगा, और या फिर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होगा। यहाँ से बेटा हर साल जो है आपका 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको ये बताना होगा कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और कौन सा सब्सटेंस जो है बेटा आपका वो रिडक्शन शो कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा कभी कभी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछ लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्लियर हो गया, अब हम लोग जो है रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अब इसी तरीके से बेटा हम लोग जो है रिडक्शन रिएक्शन को देख लेते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या है बेटा? तो रिडक्शन जो होता है बेटा वो आपका ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। अब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था बेटा, आपका ऑक्सीजन एटम्स का एडिशन हो रहा था और हाइड्रोजन एटम का रिमूवल हो रहा था। लेकिन अगर हम लोग रिडक्शन की बात करें बेटा, तो रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें हमारा क्या होगा बेटा, या तो हाइड्रोजन एटम्स का एडिशन होगा और या फिर हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन एटम्स का रिमूवल होगा। तो ऐसे रिएक्शंस बेटा जिसमें हमारा या तो हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाए किसी सब्सटेंस के साथ या फिर ऑक्सीजन एटम रिमूव हो जाएं, तो वो सभी रिएक्शंस आपकी क्या शो करेंगी बेटा, रिडक्शन रिएक्शन को शो करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जो है एग्जांपल को देख लो बेटा, सेम एग्जांपल है, बस आपका देखिए कॉपर ऑक्साइड से बेटा क्या फॉर्म हुआ, कॉपर फॉर्म हुआ। तो ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का डिलीशन क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो इसी वजह से क्या हो रहा है बेटा, इस सब्सटेंस में रिडक्शन हो रहा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बेटा आपका, ये आपका क्या है, एथीन है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसके साथ बेटा आपका हाइड्रोजन ऐड हुआ तो इसने क्या बनाया बेटा आपका, इथेन बनाया। ओके, तो देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या कहलाता है डियर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो बेटा आप लोगों को रिडक्शन रिएक्शन समझ में आ गए कि रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शंस बेटा आपके ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारा सेम टाइम पे अकर हो रहा हो। अगर आपका बेटा एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही रिएक्शन में अगर आपका रिडक्शन भी हो रहा है, तो वैसे सभी रिएक्शन आपके क्या कहलाते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल देखिए, कॉपर ऑक्साइड से बेटा कॉपर बना, तो देखिए ऑक्सीजन का डिलीशन क्या कहलाएगा बेटा, जब ऑक्सीजन डिलीट होता है तो रिडक्शन कहलाता है, और हाइड्रोजन में बेटा ऑक्सीजन ऐड हुई तो वाटर बना, तो एडिशन ऑफ वाटर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो इस रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो अगर एक ही रिएक्शन में बेटा आपका ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, तो वो सभी रिएक्शंस हमारी क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, अब रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, तो री फॉर बेटा क्या होता है, रिडक्शन है ना,
री फॉर बेटा आपका रिडक्शन होता है, एंड ऑक्स फॉर क्या होता है बेटा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आपको नाम से ही समझ में आ गया कि ऐसे सभी रिएक्शन जिसमें हमारा रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, वो रिएक्शन हमारे क्या कहलाएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटा? अब हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए बेटा, अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा आपके? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन क्या हो जाते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे मैं आपकी बात करूं, जैसे आपके पापा हैं, आपके पापा के पास 500 रुपए थे बेटा, आपके पापा ने 500 रुपए में से 100 रुपए आपको दे दिए, ठीक है, तो आपके पापा की जेब से तो पैसे कम हो गए ना, लेकिन आपके पास पहुंच गए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंस बेटा जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें लेकिन खुद रिड्यूस हो जाए, तो वो सब्सटेंस आपके क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। जैसे यहां पे आप लोग इस रिएक्शन को देखिए, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना बेटा और हाइड्रोजन से क्या बना बेटा, वाटर बना। तो देखिए हाइड्रोजन ने क्या किया बेटा, इस हाइड्रोजन ने वाटर की फॉर्मेशन करी, मींस यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन होगा वो खुद क्या होंगे बेटा, आपके रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। इसी तरीके से बेटा आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट इज वन विच रिड्यूसेस अदर एंड गेट्स ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो रिड्यूसिंग एजेंट बेटा आपके क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दूसरों को तो रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे यहां पे आप देखिए, कॉपर ऑक्साइड से बेटा क्या बना, कॉपर बना। तो देखिए यहां पे ऑक्सीजन का डिलीशन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो बेटा इस सब्सटेंस ने क्या किया, रिडक्शन किया, लेकिन खुद ये किस तरीके के नेचर को शो करेगा, खुद ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा बेटा, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझने का सिंपल सा तरीका ये है बेटा कि ऐसे सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो हमारे क्या होंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और ऐसे सब्सटेंस जो रिडक्शन शो कर रहे होंगे वो हमारे क्या रहे होंगे बेटा, वो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे होंगे। तो इस तरीके से बेटा आप लोग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को बड़े आसानी से समझ सकते हो। तो बेटा अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अभी बेटा जब आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा था तो वहां पे आपने देखा था कि ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके ऑक्सीजन के एटम ऐड हो जाएं या हाइड्रोजन के एटम डिलीट हो जाएं। रिडक्शन आपकी बेटा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके हाइड्रोजन के एटम ऐड हो जाएं या फिर आपके ऑक्सीजन के एटम डिलीट हो जाएं। लेकिन अगर बेटा हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखें तो ऑक्सीडेशन बेटा आपकी एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें आपका क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर को शो कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करेगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर कोई एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपका, वो आपका रिडक्शन कहलाएगा। वो कहलाएगा कि वो रिडक्शन रिएक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर को शो कर रहा है। तो बेटा ये आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। कभी कभी बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसलिए मैंने जो है आपको CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अगर बेटा हम लोग इस साल के बोर्ड एग्जाम की बात करें तो आपके इस साल जो है कोरोजन और रेंसिडिटी नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से जो है बेटा मैं आपको ये टॉपिक्स भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया बेटा, अपने पूरे चैप्टर को फिनिश कर दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिटेल में समझाए हैं। अगर आपको बेटा नोट्स की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ बेटा आप लोगों को Google Drive से भी PDF की लिंक मिल जाएगी।
आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि हम लोग जो है बेटा 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक की जल्द से जल्द पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।